हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग फटाफट बाय शेफ दीपक में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे होंगे कि कुछ मैंने पालक को काट के और साफ करके आपके सामने रखा है, सो आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या बनाने वाले हैं। सो आज हम आपके सामने एक फटाफट हरा भरा पालक पनीर बनाएंगे। कुछ खास इंग्रेडिएंट मैंने पहले से ही यहाँ काट के रखे हुए हैं, चॉप करके फाइनली, मतलब मैंने कुछ चॉप करके रखा है। जैसे आप देख रहे होंगे कि मेरे पास में अदरक है चॉप हुआ हुआ, और हरी मिर्च, लहसुन और पनीर। पनीर को आप इसी तरह भी आप जब बनाएं तो डाल सकते हैं और फ्राई करके भी डाल सकते हैं। सो सबसे पहले हम उबालेंगे थोड़े से पालक को और उसके बाद में फटाफट प्रिपरेशन को चालू करेंगे। सो आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर पानी उबलने के लिए रखा हुआ है और इसमें अब मैं डालने वाला हूँ पालक, और उसके बाद पालक को फटाफट निकाल के हम बनाना चालू करेंगे। सो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि पानी बिल्कुल उबल चुका है। सो इसी तरह आप जब भी कुछ पानी वगैरह को उबालें तो आप ढक के उबालें। सो अब हम इसमें डालेंगे पालक, और आप देख रहे होंगे कि मैं डायरेक्टली इसमें डाल रहा हूँ, मैंने कुछ पालक को काटा नहीं है, क्योंकि मैं फाइनली इसको बाद में मिक्सी में इसको ब्लेंड करूँगा। सो ज़रूरत नहीं है कि आप इसे काटें, अपना टाइम वेस्ट करें। सो इसी तरह सारे पालक को आप उबले हुए पानी में डाल दें और थोड़ी देर के लिए इस पर ढक्कन है। कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें कुछ डालें, आप इसमें सोर डालें, बहुत से लोग सुअर डाल देते हैं, कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह इसको सिंपली उबलने के लिए चढ़ा दें और इसको ढक दें। आप 5 मिनट में देखेंगे कि सारा पालक बिल्कुल बैठ जाएगा और उसके बाद आप इसको स्टेयर कर दें। सो इसी तरह आपको ढक देना है और 2 मिनट के लिए, उसके बाद में पालक बैठ जाएगा और फाइनली हम इसको स्टेयर कर देंगे, थोड़ा सा घुमा देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे। सो दोस्तों, देखा आपने, पालक सिर्फ 2 या 3 मिनट के अंदर बिल्कुल सेट हो गया। आप देख रहे होंगे जितना मैंने पानी डाला था ये पानी के अंदर, और मैंने अभी तक भी इसको स्टेयर नहीं किया है। सो एक बार मैं इसको स्टेयर करूंगा और ज़्यादा गलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी आपको इसको ब्लेंड भी करना है। सो 2 मिनट के बाद में आप इसे निकाल लें और ठंडे पानी में थोड़े के लिए रख दें और फाइनली इसका तड़का बनाएं अलग से। सो ये लीजिए फ्रेंड्स, पहले हमने पालक को उबाला और अब पालक को बिल्कुल हमने पीस के तैयार करके रख लिया है। अब हम इसमें तड़का मारेंगे फटाफट। चलिए अब तड़का मारना स्टार्ट करते हैं। आप घी में, सरसों के तेल में, किसी में भी स्टार्टिंग में तड़का मार सकते हैं। सो मैंने डाला है इसमें 1 टीस्पून ऑयल, बहुत कम ऑयल डाला है क्योंकि मैं बाद में भी इसमें एक तड़का और मारूंगा, इसलिए थोड़ा ही स्टार्टिंग में घी या तेल डालें। अच्छे से इसको होने दें, स्मोकी फ्लेवर होना चाहिए। तो थोड़ा सा लहसुन 1/2 टीस्पून के अराउंड, और थोड़ा सा अदरक, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले मैंने इसको थोड़ा सा पहले ही चॉप करके रखा हुआ है, तो इसी तरह आप भी करते हैं, इससे टाइम सेव होता है। जब भी आप लहसुन अदरक पहले डालें ना, तो उसको अच्छे से पहले ब्राउन होने दें, क्योंकि अगर आप पहले प्याज डाल देंगे तो ये लहसुन अदरक जो है अच्छे से ब्राउन नहीं होगा, और लास्ट तक वो जो है उसके अंदर वो फ्लेवर नहीं आएगा जो हमें चाहिए। अब आपने देखा कि मैंने पहले जिंजर गार्लिक को अच्छे से सौते किया है, उसके बाद प्याज डाली है। तो यही एक तरीका है जो आपको भी यूज़ करना है। अब मैं इसको अच्छे से प्याज को भी हल्की हल्की ब्राउन कर लूँगा, गोल्डन ब्राउन करनी है, ज़्यादा तेज ब्राउन नहीं करनी है, और उसके बाद में हम फाइनल आगे की प्रिपरेशन करेंगे। सो आप देख रहे होंगे कि प्याज बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गई है, जिसे कहेंगे हम गोल्डन ब्राउन। सो अब इसी जगह पर हम इसमें थोड़ी हरी मिर्च, ये मैं 2-3 हरी मिर्च काटी थी, आप इसकी जगह पे रेड चिल्ली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं हरी मिर्च यूज़ कर रहा हूँ, और साथ ही साथ में इसमें मैंने एक टमाटर काटा है, तो आप इसमें टमाटर भी इसी स्टेज पे डाल लें। टमाटर को प्यूरी करके डालें, आप इसे चॉप भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम पालक पनीर बना रहे हैं तो स्मूथ स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आप पालक को ब्लेंड करके डालें अच्छे से मिक्सी में, इसको कच्चे को ही अच्छे से पीस लें और उसके बाद डालें। और अब हम इसे मसाले को भून लेंगे और इसमें पालक डाल देंगे। 5 मिनट मसाले को भूनने के बाद अब ये मसाला लगभग तैयार है। आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल वाटर जो है इसका ड्राई हो गया है, और अब हम इसमें पालक डालेंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि हम इसमें हल्दी, मिर्ची, नमक दोनों सब कुछ डाल सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ इसमें ग्रीन वेजी डाली, जैसे कि हरी मिर्च, और हमने इसमें कोई भी पाउडर यूज़ नहीं किया है।
अगर आप इस तरह बनाएंगे तो बिल्कुल हेल्थी और टेस्टी बनेगा। हम इसमें पालक पालक डालेंगे, पालक जो हमने पहले मिक्सी में पीस के रखी थी। अब इसको अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लें और इसको कम से कम 10 मिनट इसको आप दम पे पकाएं। दम का मीन्स आप इसको ढक के लीड के साथ में, ढक्कन के साथ में अच्छे से कम इसको 15 मिनट जरूर पकाएं इस तरह। अब ढक के मैं इसको गैस को थोड़ा स्लो कर दूंगा। 10 मिनट हल्की फ्लेम पे पकने के बाद में हम इसे चेक करेंगे और साथ ही साथ इसमें हम पनीर भी डाल लेंगे। सो पनीर को रेसिपी जो है, अगर आप 1 किलो पालक बना रहे हैं तो इसमें कम से कम 300 ग्राम के आसपास इसमें पनीर डालें। जो रेसियो रहता है वो 30-70 का रहता है, कि अगर आप 100% आप बना रहे हैं तो पालक को आप 1 किलो लेंगे और उसमें 300 ग्राम के आसपास पनीर डालेंगे। तो यही हमने किया है, 1 किलो के अंदर 300 ग्राम के करीब हम पनीर डाल रहे हैं और साथ साथ हम इसमें नमक भी डालेंगे, क्योंकि मैंने पहले नमक इसमें डाला नहीं था। तो नमक मैं रॉक सॉल्ट डाल रहा हूँ, आप इसे सेंधा नमक या रेगुलर नमक भी यूज़ कर सकते हैं। नमक आपके टेस्ट के अनुसार है कि आपको कैसा इसमें टेस्ट चाहिए। तो अब मैं फिर इसको हल्का सा स्टेयर करके पालक को अच्छे से पनीर के साथ मिला के साइड में रख दूँगा। दोबारा से इसको हल्की फ्लेम पे पकाऊंगा और साथ साथ इसका एक तड़का बनाऊंगा और इसमें तड़का मैं ऊपर से लगाऊंगा ताकि बिल्कुल फ्लेवरफुल और रिच बने। नाउ हमने इसको वापस ढक दिया है और हल्की आँच पे इसको रख के इसको साइड में दूसरे गैस पे रख देंगे। सो फ्रेंड्स, इसमें तड़का बनाते हैं फटाफट। तड़के के लिए थोड़ा सा देसी घी। अब यहाँ पर मैं एक भर के टेबलस्पून ऑयल डालूंगा, क्योंकि थोड़ा सा तड़का ज़्यादा चाहिए यहाँ पर, सो फ्लेवरफुल होना चाहिए। यहाँ पर इस जगह पर मैं थोड़ा सा इसमें जीरा, 1/2 टीस्पून जीरा डालूंगा। अच्छे से इसको रोस्ट होने दें और साथ साथ इसमें थोड़ा सा अदरक और थोड़ा लहसुन। यहाँ पर आप इसमें थोड़ी हींग भी डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसमें रेड चिल्ली पाउडर लगा सकते हैं ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो मैं भी वही करूँगा ताकि हमारा जो पालक पनीर है थोड़ा सा कलरफुल बने। तो इस जगह पे थोड़ा सा ये ट्रिकी है, थोड़ा सा हल्का सा डाल लें। थोड़ा सा इसमें मैंने, आपने देख रहे हो कि रेड चिल्ली पाउडर इसमें ऐड किया ताकि तड़का जो है थोड़ा सा रेडिश और अच्छा बने जब हम पालक पनीर को सर्व करें, थोड़ा सा उसमें रोगन आए। तो इसी तरह आप भी इसको अच्छे से तड़का बनाएं। देखा फ्रेंड्स आपने, सो ये रहा तड़का और फटाफट इस तड़के को हम डाल देते हैं पालक पनीर में। बिल्कुल इसी तरह आप देख लो फ्रेंड्स कितना कलरफुल लग रहा है। सो पालक पनीर हमारा बिल्कुल तैयार है, आप इसे सर्व कर सकते हैं। और सर्व करने से पहले, क्योंकि अभी तड़का डाला है, 2 मिनट इसको सिमर पे रख सकते हैं, थोड़ा सा इसको स्टीम में रख सकते हैं कि और अच्छे से जो हमने अभी तड़का डाला है ये इसमें घुल मिल जाए। सो पालक पनीर बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स, कुकिंग फटाफट बाय शेफ दीपक में आपके लिए। आज हम लाए थे पालक पनीर बिल्कुल सीजनल, होम स्टाइल में तरीके के साथ बनाना। सो अब आप इसको खा सकते हैं और दोस्तों खिला सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।